हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आए सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपकमिंग यामा MT125 के बारे में, जो कि 2024 में लॉन्च होने वाला है। तो फुल डिटेल बात करने वाले हैं इस बाइक में, क्या टॉप स्पीड देखने वाला है, कितनी सीसी का इंजन देखने वाला है, क्या माइलेज मिलने वाला है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना, ताकि ऐसी बाइक सुपर बाइक मेरे चैनल में वीडियो आता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यामा MT125 में आप लोग 124 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 बैल SOHC FIPS 6 कॉम्प्लाइंट इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 14.7 HP का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10,000 RPM पे, 11.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 8,000 RPM पे। इस बाइक के 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा स्लीपर क्लच के साथ में। और इस बाइक के टायर साइज की बात करें तो इस बाइक में 100x80x70 का टायर देखने को मिल जाएगा फ्रंट में। रियर में आप लोगों को 140x70x70 का टायर देखने को मिल जाएगा रियर में। इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है इस बाइक में। ब्रेक साइज की बात करें तो इस बाइक में 292 mm का हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा ABS के साथ में फ्रंट में। रियर में आप लोगों को 220 mm का हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा ABS के साथ में। डुअल चैनल ABS दिया गया इस बाइक में, तो डुअल चैनल ABS दिया गया इस बाइक में। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है। 125 cc सेगमेंट में तो काफ़ी बहुत अच्छा है ये। अगर इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो इस बाइक में सीट हाइट काफ़ी कम रखा गया है, 810 mm का सीट हाइट देखने को मिलेगा इस बाइक में आप लोगों को। इस बाइक की बाइक में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी है ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक की सस्पेंशन की बात करें तो इस फ्रंट में आप लोगों को UA ऑफसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फॉर्क फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। रियर में यूनिट स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक की इंस्पीटर कंसोल की बात करें तो फुली डिजिटल LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि सारी चीज़ें डिजिटल में देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर, टैचोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, सारी चीज़ें डिजिटल देखने को मिलेगा। ABS का लाइट फील्ड गेज, सारी चीज़ें डिजिटल देखने को मिलेगा। इस बाइक की लाइट की बात करें तो LED लाइट देखने को मिलेगा, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, सारी चीज़ें LED देखने को मिलेगा। इस बाइक में आप लोगों को R15 जैसा ही एलुमिनियम सुंगाम देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो यामा MT15 की तरह ही देखने को मिलेगा, सेम उसी से इंस्पायर्ड होकर आया है इसका डिजाइन। लुक्स एंड डिजाइन सेम देखने को मिलेगा। इंजन छोटा है, 124 cc का इंजन देखने को मिलेगा इस बाइक में। यामा MT15 जो आता है 155 cc का इंजन में आता है वो, तो इसमें BBA टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा, वेरिएबल वेल एक्सेस की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा यामा MT125 में। सॉरी, इस बाइक की मैं टॉप स्पीड और माइलेज बताने तो भूल ही गया। इस बाइक में आप लोग 120 km/h का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा, 148 km/h का माइलेज देखने को मिल जाएगा, 11 L फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी इस बाइक में। और बात करें तो यामा की कोई भी नेकट बाइक, नेकट सुपर स्पोर्ट की डिजाइन वाला बाइक नहीं था, तो इसलिए यामा इस बाइक को लॉन्च करने वाला है 2024 में, जो कि एग्रेसिव स्पोर्टी बोर्ड डिजाइन वाले बाइक होने वाला है 125 cc में, जो कि बजाज की NS125 है, KTM की ड्यूक 125 है, TVS की राइडर 125 है, सारी बाइक सारी कंपनी की 125 cc में एग्रेसिव स्पोर्टी बोर्ड डिजाइन वाली बाइक है। तो ये वहाँ की कोई भी बाइक नहीं था, तो इस बाइक को लॉन्च
करने वाला है यामा 2024 में, कब तक देखने को मिलेगा अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे अपडेट आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।